Bye. हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर पे दिस इज आप सभी का आज की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आज की क्लास का टॉपिक आप सभी जानते हैं आज हम बात करेंगे मिरर एंड लेंस के बारे में बात करें अगर मिरर एंड लेंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि मिरर और लेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट पूछा जाता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी के सभी अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे उन्हें लिखते हुए चलेगा सभी को गुड आफ्टरनून सभी को जय हिंद जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता दो कौन कौन लाइव आ चुका है तो आज की क्लास यहाँ पर हम शुरू करेंगे और आप सभी जानते हैं कि हमारी एक फिल्टर्ड सीरीज चल रही है जिसमें साइंस के नोट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम बात करेंगे किसके बारे में मिरर एंड लेंस के बारे में स्टूडेंट आज हम बात करेंगे दर्पण और लेंस के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिरर एंड लेंस आज हम दर्पण और लेंस के बारे में बात करेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज इस क्लास को जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए क्लास पसंद आएगी डेफिनेटली पसंद आएगी लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ टीचिंग स्कूल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट इस तरह की सभी यूजफुल वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके ठीक है चलेगा तो भाई सभी का स्वागत है जल्दी से क्लास को एक बार सारे के सारे स्टूडेंट शेयर कर देंगे ठीक है ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं लाइट के चैप्टर का ये टॉपिक बनता है आप सभी जानते हैं और क्वेश्चन शॉर्ट शौर शॉर्ट यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की और बात करेंगे आज हम किसके बारे में स्टूडेंट मिरर एंड लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं दर्पण और लेंस के बारे। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट की दर्पण और लेंस के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है किसे हम मिरर बोलते हैं किसे हम लेंस बोलते हैं कैसे पहचानते हैं कि मिरर है या फिर लेंस है और ये कितने तरह के होते हैं कौन सा फिनोमेना दर्शाते हैं कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं कि मिरर वो होता है जिसकी एक साइड पर पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरी साइड से क्या होती है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन होती है दर्पण वो होता है जिसकी एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन हो है स्टूडेंट लेंस वो होता है जिसकी किसी भी साइड पर पॉलिशिंग नहीं की जाती लेंस को दोनों साइड से ओपन लेफ्ट किया जाता है यहां पर कहीं पर भी आपको पॉलिशिंग नहीं दिखेगी तो सिंपल सी बात समझिएगा स्टूडेंट कि मिरर वो होता है जिसकी एक साइड पर हमेशा क्या कर देते हैं पॉलिश कर देते हैं इसकी एक साइड पर कलाई कर दी जाती है दूसरी साइड से क्या होती है रिफ्लेक्शन हो जाती है प्रावर्तन की प्रक्रिया होती है लेंस के बारे में बात करें स्टूडेंट तो आप सभी जानते हैं कि जो लेंस है इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं होती है कोई भी किसी भी तरह की पॉलिशिंग नहीं होती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें मिरर्स के बारे में तो मिरर सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं यानी कि उनके ऊपर आने वाली 90 परसेंट लाइट को ये हमारी आंखों की ओर रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो अगर आपसे पूछे कि मिरर कौन सा फिनोमेना शो करते हैं मिरर कौन सा फिनोमेना शो करते हैं तो मिरर जो फिनोमेना शो करते हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन का नाम है प्रावर्तन लेंस कौन सी प्रक्रिया दर्शाते हैं तो लेंस दर्शाते हैं रिफ्रैक्शन का प्रोसेस ये दिखाते हैं अपरिवर्तन की प्रक्रिया तो सबसे पहला पॉइंट तो नोट बना के लिखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिरर कौन सा प्रोसेस दिखाते हैं मिरर शो करते हैं एक प्रोसेस जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन लेंस कौन सा प्रोसेस दिखाते हैं तो लेंस शो करते हैं एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हमेशा एक ही माध्यम में होता है लाइट की रेखा टकराकर वापस आ जाना आपको पता है रिफ्लेक्शन कहलाता है बट जब एक से ज्यादा मीडियम होते हैं जैसे देखिएगा लाइट जो है जब वो एंटर करेगी तो वो सबसे पहले हवा से कांच में जाएगी फिर कांच से हवा में जाएगी तो जब एक से ज्यादा माध्यम हो जब एक से ज्यादा मीडियम हो मोर देन वन मीडियम तो कौन सी प्रक्रिया होती है रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है और स्टूडेंट हमने पढ़ा कि जो लेंस है जो लेंस है वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस दर्शाते हैं लेकिन जो मिरर है वो कौन सा प्रोसेस दर्शाते हैं वो रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया दर्शाते ये सबसे पहले इनकी कुछ बेसिक बातें हैं ये क्या है स्टूडेंट लिख लीजिएगा ये इनका बेसिक्स है ये बिल्कुल इनका बेसिक कंसेप्ट है कि सबसे पहले जब आप मिरर और लेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इतना पता हुआ होना चाहिए क्या ये बात आप सभी को क्लियर है जल्दी से कमेंट करके बताओ बहुत बढ़िया राहुल बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सभी बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी बता रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया जल्दी से बता दीजिए यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हमने यहाँ पे शुरुआत करी है क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप देंगे फिर आगे चलेंगे डिस्कस करेंगे मिरर के टाइप और लेंस के टाइप ठीक है सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में कि मिरर के कितने प्रकार होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर आर देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर आर देयर दर्पण के कितने प्रकार होते हैं दर्पण कौन कौन से तरह का होता है तो पूछा जाता है भाई दर्पण के प्रकार के बारे में टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में तो लिख लीजिएगा कि दर्पण आप सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला होता है स्टूडेंट प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण सबसे पहला होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज स्पेरिकल मिरर गोलाकार दर्पण होता है यानी कि स्पेरिकल मिरर गोलाकार दर्पण तो दो तरह के दर्पण होते हैं स्टूडेंट समतल दर्पण और गोलाकार दर्पण ठीक है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर बिल्कुल है नेट केम क्लासेस बिल्कुल है ठीक है ठीक है पढ़ते हुए चलेगा बिल्कुल है ठीक है आगे चलते हैं तो दो तरह के मिरर होते हैं कौन-कौन से प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर फिर देखिएगा आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर फिर से दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर इज अगेन ऑफ टू टाइप आपने सुना है स्टूडेंट एक होता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण देयर इज अ मिरर व्हिच वी कॉल एज़ कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण कहते हैं और दूसरा मिरर होता है जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण क्या कहते हैं उत्तल दर्पण दो तरह के दर्पण कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ठीक है अब देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस है कॉनकेव कॉन्वेक्स के अंदर तो देखो कॉनकेव में ना बाहर की साइड पर पॉलिश करते हैं अंदर से प्रावर्तन होता है कॉनकेव में क्या करते हैं बाहर की साइड पर पॉलिशिंग करते हैं और अंदर से रिफ्लेक्शन होता है लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है ना अंदर की साइड पर पॉलिश की जाती है बाहर से रिफ्लेक्शन डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में क्या है ठीक है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही ठीक है तो दो तरह के होते हैं मिरर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी बहुत बढ़िया स्टूडेंट बहुत अच्छे ठीक है क्लास पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करते हुए चलेंगे स्टूडेंट ताकि इस तरह की क्लासेस में आपके लिए आगे भी लेकर आता चलो ठीक है चलेगा जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आप सभी को गुड आफ्टरनून है सभी को जय हिंद है क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये सभी क्लासेस में आपको एनसीईआरटी के फिल्टर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज बिल्कुल आप अगर नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी तो पॉइंट को समझिएगा हमने बात की कि जो मिरर है वो दो तरह के होते हैं वन इज प्लेन मिरर अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल यानी कि गोलाकार दर्पण फिर से दो तरह के होते हैं अवतल और उत्तल कितने होते हैं अवतल एंड उत्तल ठीक है अब एक पॉइंट हमने समझा कि जो अवतल दर्पण है उसकी बाहर की साइड पर पॉलिशिंग होती है और जो उत्तल दर्पण होता है वो अंदर से पॉलिश होता है अंदर से उस पर कलाई कर दी जाती है ठीक है अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पॉलिश की होती है ये जो पॉलिश की जाती है जो कलाई की जाती है ये किस मटेरियल की, की जाती है या कौन सा कंपाउंड है कौन सा यौगिक है जिससे मिरर पे पॉलिशिंग की जाती है कौन सा कंपाउंड यूज होता है जिससे मिरर पे पॉलिशिंग करते हैं तो स्टूडेंट आंसर बनता है ए जी एनओ थ्री आंसर क्या बनता है ए जी एनओ थ्री आंसर बनता है सिल्वर नाइट्रेट आंसर क्या बनता है सिल्वर नाइट्रेट आंसर बनता है स्टूडेंट ए जी एनओ थ्री AgNO3 का इस्तेमाल किया जाता है फॉर पॉलिशिंग द मिरर दर्पण पर कलाई के लिए पूछा जाता है किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं किस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर बनता है सिल्वर नाइट्रेट बहुत बढ़िया स्टूडेंट आंसर बनेगा AgNO3. आंसर इज सिल्वर नाइट्रेट ठीक है पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की क्लासेस के साथ आप जुड़ पाए और आप इन सभी क्लासेस को अच्छे से देख भी पाए ठीक है स्टूडेंट चलेगा तो दो तरह के दर्पण हमने पढ़े यहाँ पर प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर और हमने ये भी पढ़ा कि जो दर्पण पे पॉलिशिंग की जाती है वो किसकी की जाती है सिल्वर नाइट्रेट की की जाती है जैसे मिरर के हमने पढ़े वैसे स्टूडेंट आपको पता है लेंस के भी टाइप होते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो लेंस के प्रकार कितने हैं लेंस के कितने प्रकार होते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ लेंसेस आर देर कितने तरह के लेंस होते हैं चलो भाई जल्दी से एक बार बता दो कितने तरह के लेंस होते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ लेंस आर देयर कितने तरह के लेंस होते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट जैसे मिरर दो तरह के होते हैं वैसे ही समझिएगा स्टूडेंट लेंस भी दो तरह के होते हैं आपको पता है एक होता है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस तो दो प्रकार के लेंस होते हैं जैसे मिरर दो तरह के होते हैं वैसे स्टूडेंट लेंस भी दो तरह के होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है भाई साइडों से देखेगा मोटा होता है बीच में से पतला होता है और ये ऐसा दिखता है भाई साइडों से पतला होता है बीच में से मोटा होता है तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा मिरर के दो टाइप हैं वैसे ही देख लीजिएगा स्टूडेंट लेंस के दो टाइप होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स और ये किस किस तरह के दिखते हैं ठीक है बहुत सही स्टूडेंट बिल्कुल सही आप सभी आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया दो तरह के लेंस होते हैं बहुत अच्छे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल लेंस ठीक है देर आर टू टाइप ऑफ लेंस एक्सीलेंट बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट अवतल और उत्तल होते हैं कौन कौन से अवतल एंड उत्तल ठीक है तो चलेगा मिरर के टाइप्स पढ़ लिए लेंस के टाइप पढ़ लिए अब बात करेंगे कहां पर कौन सा मिरर और कहां पर कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है तो देखिएगा स्टूडेंट पूछा जाता है आपसे क्या कि अगर आपके पास हो स्टूडेंट डेंटिस्ट मिरर मतलब दंत चिकित्सक का दर्पण जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दर्पण आप सभी ने देखा है दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है जो डेंटिस्ट का मिरर होता है पूछते हैं वहां पर कौन सा मिरर यूज होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स पूछा जाता है स्टूडेंट कि जो टॉर्च होती है उसमें कौन सा मिरर होता है टॉर्च में कौन सा मिरर होता है मिरर इज प्रेजेंट इन द टॉर्च आपसे पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि कौन सा मिरर ऐसा है जिसे एज अ शेविंग मिरर इस्तेमाल किया जाता है क्या पूछ लेंगे ऐसे दर्पण का नाम बताएं जिसका इस्तेमाल एज अ शेविंग मिरर करते हैं शेविंग दर्पण की तरह जिसका इस्तेमाल किया या आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ऑटोमोबाइल की हेडलाइट होती है वाहन की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है क्या पूछ लेंगे वाहन की हेडलाइट में ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच मिरर इज यूज इन ऑल दीज इन सभी उदाहरणों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है बहुत अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल सही अगर आपसे बात की जाए कि इन सभी जगहों पर इन सभी एग्जाम्पल्स में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है तो आंसर आएगा स्टूडेंट कॉनकेव क्या आएगा आंसर कॉनकेव मिरर कि अवतल आंसर गोइंग टू बी अवतल दर्पण आंसर इज कॉनकेव समझेगा स्टूडेंट कि यहां पर कॉनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल किया गया क्योंकि कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर आकर मिला देता है ये क्या करता है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा दूर से किरणें आ रही हैं उनको एक बिंदु पर मिला देगा दूर से रेज आ रही हैं उनको एक बिंदु पर मिला देगा इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है गुण 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 क्या कहते हैं क्या होता है एक ऐसा गुण होता है जिसमें दूर से आती हुई किरणें एक बिंदु पर जाकर मिल जाती दूर से आती हुई किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है बहुत अच्छे राहुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट बिल्कुल सही यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी क्लियर है स्टूडेंट बहुत बढ़िया बिल्कुल सही अगर हम बात करें बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट बहुत अच्छे सभी को गुड आफ्टरनून है जो अभी भी जुड़ रहे हैं आप सभी को गुड आफ्टरनून है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट तक क्लास को आप सभी को देखना है ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो सके तो सिंपल सी बात हम कर रहे हैं चाहे हम बात करें डेंटिस्ट मिरर की चाहे बात हो जाए टॉर्च की चाहे बात हो जाए शेविंग मिरर की या वाहन की हेडलाइट की सभी के अंदर जो दर्पण इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है कॉनकेव मिरर क्यों क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ये क्या करता है दूर से आ रही हैं उनको जाकर एक बिंदु पर मिला देगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे जल्दी से क्लास को शेयर कर दो यार एक बार ये अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार क्लास को सभी के सभी शेयर करेंगे यार सभी शेयर करेंगे जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए पूछा जाता है स्टूडेंट कि हमने एक मिरर देखा है जिसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर ये ना वाहन में ना साइड में लगा हुआ होता है आपने देखा होगा रियर व्यू मिरर कहते हैं इसे कहा जाता है पाशर्व दर्पण रियर व्यू मिरर यूज होता है पाशर्व दर्पण की तरह ठीक है किसमें वाहनों के अंदर यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर होता है ठीक है पाशर्व दर्पण की तरह इसका इस्तेमाल वाहन के अंदर किया जाता है साइड में लगा हुआ होता है इससे आपको ना पीछे का ट्रैफिक पूरा का पूरा नजर आ रहा होता है उस उसमें लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपियर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर पूरा का पूरा ट्रैफिक साइड वाले मिरर में हमें दिख रहा होता है पूछा जाता है कि अगर बात करें रियर व्यू मिरर के बारे में या बात हो जाए जो स्ट्रीट लाइट्स होती है जो गलियों में लाइट लगी हुई होती है उसके बारे में अगर बात हो जाए ठीक है जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती है आपको पता है उनसे इस तरह का प्रकाश फैल रहा होता है येलोइ क्रिमसन प्रकाश आपने देखा होगा इस तरह का वहां से स्प्रेड हो रहा होता है तो पूछ लेते हैं इन दोनों केसेस के अंदर जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो दर्पण कौन सा होता है तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आंसर बनेगा कॉन्वेक्स मिरर आंसर बनेगा आपका उत्तल क्या बनेगा उत्तल तो सिंपल सी बात हमेशा समझिएगा स्टूडेंट कि यहां पर जो मिरर यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर ठीक है बहुत बढ़िया कॉन्वेक्स मिरर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही अब कॉन्वेक्स मिरर की भी अपनी एक खास बात है यह क्या करता है एक बिंदु से किरणों को फैला देता है इसकी खास बात क्या है कि एक बिंदु से किरणों को फैलाने की क्षमता रखता है मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जिंग इसकी प्रॉपर्टी कैसी है इसकी प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये गुण दिखाता है अपसारी गुण ये कैसा गुण दिखाएगा ये दिखाएगा अपसारी गुण एक बिंदु से किरणों को फैलाने की क्षमता रखता है ये।, ये क्या करता है एक बिंदु से किरणों को फैला देता है यह अपसारी गुण दर्शाता है।, तो आ रही है बात अच्छा एक बात और बता दो स्ट्रीट लाइट के अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं विच गैस इज यूज इन स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है विच गैस इज यूज इन द स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट के अंदर कौन सी गैस यूज होती है आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट से भी जो प्रकाश निकल रहा है वो फैल रहा है और इस तरह की क्षमता मतलब एक बिंदु से किरणों को फैलाने की क्षमता कॉन्वेक्स मिरर की होती है ठीक है एक बिंदु से किरणों को फैलाने की क्षमता कॉन्वेक्स मिरर की होती है ठीक है बहुत बढ़िया जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट लाइट के अंदर बताए बता दीजिए स्टूडेंट क्या आंसर बनेगा बहुत बढ़िया स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछ लू स्ट्रीट लाइट में कौन सी गैस यूज होती है तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट इसके अंदर मरकरी के वेपर यूज होते हैं मरकरी यानी कि पारा जिसका सिंबल है एच जी ये वाष्प रूप में इस्तेमाल किया जाती है अलोंग विद द नियॉन गैस अलोंग विद द नियॉन गैस बहुत अच्छे स्टूडेंट आर्गन यूज होती है बल्ब के अंदर कुछ स्टूडेंट आर्गन भी बता रहे हैं मैं आपको बता दूं आर्गन जो है उसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब में करते हैं लाइट के अंदर, मर्करी के वेपर, मतलब जो पारा है वो वाष्प रूप में और साथ में नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है पारा वाष्प रूप में और नियॉन गैस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है फिर स्टूडेंट आपसे पूछते हैं कि आपके पास है कैमरा या क्वेश्चन आता है हमारे पास है स्टूडेंट कैमरा ठीक है हम बात कर रहे हैं कैमरा के बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के बारे में यानी कि सूक्ष्मदर्शी तो उन वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है जिन्हें हम अपनी छोटी-छोटी आंखों से नहीं देख पाते या बात हो जाए स्टूडेंट टेलीस्कोप की टेलीस्कोप के बारे में बात हो जाए इन सब में पूछते हैं स्टूडेंट कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है बताएं इन सब में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है विच लेंस यूज इन कैमरा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप किस लेंस का प्रयोग यहां पर किया जाता है विच लेंस यूज इन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एंड कैमरा इनमें कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट बताएं स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो कि आपसे पूछा जा रहा है कैमरा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के अंदर कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है विच लेंस इज बींग यूज बहुत बढ़िया स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस आंसर बन रहा है स्टूडेंट उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक है कुछ कॉन्केव भी कह रहे हैं कुछ कॉन्वेक्स कह रहे हैं ठीक है पॉइंट को समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है लेंस इज बीइंग बेसिकली यूज्ड ओवर हियर स्टूडेंट एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है आपको ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट इस बात पर ये एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट इसके अंदर दो मिरर लगे हुए होते हैं और ये दोनों मिरर ना 45 डिग्री पर झुके हुए होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट टू सी अंडर वाटर सी ऑब्जेक्ट अगर हमें समुद्र के नीचे की वस्तुओं को देखना है अगर हमें समुद्र के नीचे की वस्तुओं को देखना है ठीक है यानी कि अंडर वाटर सी ऑब्जेक्ट को देखना है पूछा जाता है स्टूडेंट कि अगर आपको अंडर वाटर सी ऑब्जेक्ट देखने हैं यानी कि समुद्र के नीचे की वस्तुओं को देखना है समुद्र के नीचे की वस्तुएं देखनी है तो समुद्र के नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए वो तो देखने के लिए कौन से स्टूडेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है बताएंगे स्टूडेंट बताएं स्टूडेंट क्या आंसर बनेगा समुद्र के नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है विच इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली यूज ओवर हेयर जिसको यहां पर दिखाया गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी द अंडर वॉटर सी ऑब्जेक्ट और आपको बता दूं कि ये जो यंत्र है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है मतलब प्रकाश का बार-बार परावर्तन कर ये प्रकाश के बार-बार परावर्तन करने की प्रक्रिया पर काम करता है ठीक ना तो सिंपल सी बात कर रहे हैं इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये प्रकाश के बार-बार परावर्तन करने के सिद्धांत पर काम करता है आपको बताना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है कुछ कह रहे हैं फैतोमीटर फैतोमीटर समुद्र की गहराई मापता है ठीक है ये फैतोमीटर नहीं है ये है स्टूडेंट पेरिस्कोप ये जो इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिखाया गया है इसका नाम है पेरिस्कोप क्या नाम है इसका पेरिस्कोप अच्छा पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में कौन कौन से मिरर लगे हुए होते हैं कौन कौन से दर्पण इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो लिख लीजिएगा कि पेरिस्कोप के अंदर दो प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है टू प्लेन मिरर दो समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है इनक्लाइंट एट फोर्टी फाइव डिग्री तो पैंतालीस डिग्री पर झुके हुए होते हैं इसमें दो समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं जो कि पैंतालीस डिग्री पर झुके हुए होते हैं दो समतल दर्पण दो समतल दर्पण जो कि 45 डिग्री पर झुके हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कितने डिग्री पर झुके हैं? 45 डिग्री पर ये झुके हुए हैं उनका इस्तेमाल स्टूडेंट पेरिस्कोप में किया जाता है तो पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से समुद्र के नीचे की वस्तुओं को देखा जाता है इसके अंदर दो समतल दर्पण है ठीक है बहुत बढ़िया और ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है पूछा जाता है तो आंसर बनता है 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरीस्कोप ठीक है और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है मतलब प्रकाश के बार बार परावर्तन करने के सिद्धांत पर यह काम करता है ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू सी द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट समुद्र के नीचे की जो वस्तुएं होती हैं उसको देखने में हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है स्टूडेंट बात क्लियर हुई है आपको मिरर एंड लेंस का हमने यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर देखा है बेसिकली स्टूडेंट देखिएगा ये सब आज हमने यहां पर पढ़ा है एक बार रिवाइज में आपको करवा देता हूं कि आज के इस टॉपिक के अंदर मिरर एंड लेंस के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है देखिएगा सबसे पहले हमने बात करी कि जो मिरर होता है उसकी एक साइड पॉलिश होती है दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है लेंस वो होता है जिसकी दोनों साइड ओपन होती है किसी भी साइड पर कोई भी पॉलिशिंग नहीं होती मिरर जो प्रोसेस शो करता है उसका नाम रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन है लेंस जो प्रक्रिया शो करता है उसका नाम रिफ्रैक्शन या अप्रिवर्तन है फिर बात की जाए मिरर के बारे में तो मिरर दो प्रकार के होते हैं समतल और गोलाकार दर्पण मिरर पे जो पॉलिशिंग की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की की जाती है कॉन्केव मिरर बाहर से पॉलिश होता है कॉन्वेक्स मिरर अंदर से पॉलिश किया जाता है फिर देखिएगा हमने बात की लेंस भी दो तरह के होते हैं अवतल एंड उत्तल लेंस होते हैं उसके बाद देखिएगा डेंटिस्ट मिरर टॉर्च शेविंग मिरर और वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्यों क्योंकि इन सभी केसेस में आप ये देखेंगे अगर हम बात करें रियर व्यू मिरर की मतलब पार्शव दर्पण की तरह या स्ट्रीट लाइट में कौन से मिरर का यूज होता है तो उत्कल दर्पण और इसका एक गुण होता है जिसे कहते हैं अपसारी गुण कैमरा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर जो लेंस इस्तेमाल होता है उसका नाम कॉन्वेक्स लेंस है और हमने देखा पेरिस्कोप के अंदर दो तो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर होते ठीक है है तक की बात आप सभी को क्लियर क्लियर इज एवरीथिंग टू यू बताएं क्लास में कैसा समझ में आ रहा है आप सभी को कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्लास कैसी लगी स्टूडेंट साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल से आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आचार्य बैच लॉन्च हो चुका है स्टूडेंट इस आचार्य बैच के साथ आप सभी जरूर जुड़े एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आचार्य बैच की मेक श्योर की अगर आप सी टेट अगर हम बात करें सुपर टेट डी ट्रिपल एस बी बी ठीक ठीक है है टेट या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि टीचिंग से संबंधित है तो आप आचार्य बैच को जरूर ज्वाइन करें बिल्कुल ही कम प्राइस पर ये आप सभी के लिए एसेसिबल है यू कैन इजिली ज्वाइन दैट ठीक है एंड सिंपली पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए दिल लगाकर पढ़िए मेहनत और that's it for today. आज की क्लास में डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे करेंगे एक और 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 शानदार शानदार टॉपिक के साथ और करेंगे कुछ और नोट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस क्लास विल मीट टू मोटे